तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं चैनल था, आई होप दोस्तों सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे HSVD का जो इवेंट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल डेट शीट कब तक आएगा। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं इवेंट सेमेस्टर के, रेगुलर के हैं या रीअपीयर वाले बच्चे हैं या मर्सी वाले बच्चे हैं, इनमें बहुत सारे बच्चे का डाउट है कि सर प्रैक्टिकल डेट शीट कब तक आएगा, प्रैक्टिकल कंडक्ट कब होंगे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि सर एग्ज़ाम डेट शीट कब तक आ जाएगा, ठीक है। तो इस दो पॉइंट को इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। आपके प्रैक्टिकल कब से होंगे, डेट क्या रहने वाले हैं, प्रैक्टिकल का मोड क्या रहने वाले हैं, और आपके पेपर का डेट शीट कब तक आएगा, और पेपर कंडक्ट कब से होंगे, ठीक है। तो कुल तीन बातें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा और तीनों बातों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना है, स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। दोस्तों, कोई क्वेरी हो आप मेरे से पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, देन आफ्टर आप मेरे से पूछ सकते हो, DM कर सकते हो या ग्रुप में आप मैसेज छोड़ देना, ठीक है। और प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक्स कर दिया करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो। शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे का डाउट था कि सर प्रैक्टिकल डेट शीट कब तक आएगा, प्रैक्टिकल कब होगा। दोस्तों, मैं बता दूँ कि जो आपकी प्रैक्टिकल डेट शीट है वह जून में होगा आएगा, ठीक है। तो जो आपका प्रैक्टिकल है, पेपर से तकरीबन 15 दिन पहले कंडक्ट हो जाते हैं, ठीक है, 10 से 15 दिन पहले। तो आपके दोस्तों जो पेपर हैं वह जुलाई में होंगे, और जो आपका प्रैक्टिकल है दोस्तों 15 से लेकर 20, ठीक है, 15 से लेकर 20 जून जून के बीच में आपके प्रैक्टिकल कंडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आपका डेट शीट है दोस्तों, और 15 जून से पहले पहले HSVD के पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा कि आपके प्रैक्टिकल का डेट शीट क्या रहेगा, प्रैक्टिकल किस दिन कौन से प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल कब कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आप समझो कि आपके जो प्रैक्टिकल है दोस्तों 15 से लेकर 20 जून के बीच में कंडक्ट होंगे, और प्रैक्टिकल का डेट शीट HSVD के वेबसाइट पे 15 से पहले पहले आ जाएगा, ठीक है, 15 जून से पहले पहले आ जाएगा। और आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है 20 जून के आसपास कंडक्ट हो जाएंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखो। अब दूसरी बात है कि सर प्रैक्टिकल कहाँ से बनाएं, कैसे करें। अभी बच्चे, कोई ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक प्रैक्टिकल में हाथ भी नहीं लगाए होंगे, प्रैक्टिकल को स्टार्ट भी नहीं किए होंगे। तो मैं बता दूँ कि अभी प्रैक्टिकल आप लोग बनाना चालू कर दें। ऐसे मैक्सिमम ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर प्रैक्टिकल चेक होने चालू हो चुके हैं, ठीक है, और बहुत ऐसे कॉलेज है जो मेरे को पता लगा है, ठीक है, जैसे मेरे को ऑलरेडी पता भी है कि उनके प्रैक्टिकल के नंबर चढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान देना कि आप लोग अगर अभी तक प्रैक्टिकल नहीं बनाए हो या बनाने को चालू नहीं किए हो तो प्रैक्टिकल आप लोग जल्द से जल्द बना लो, और पहले ही सर से अपना सिग्नेचर जो भी होता है वह करवा लो, और आप प्रैक्टिकल के डे पर आपसे प्रैक्टिकल को सबमिट करके वाइवा दे देना, ठीक है। तो जो बच्चे अभी नींद में सो रहे हैं कि प्रैक्टिकल जब डेट शीट आएगा, जब प्रैक्टिकल बना लिया जाएगा, तो ऐसे आप लोग मत करना, क्योंकि प्रैक्टिकल के नंबर अभी कुछ कॉलेज में चढ़ भी रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि आपके नंबर बोर्ड के पास अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो टीचर है नंबर आपके चढ़ाने का प्रोसेस चालू कर दिए हैं। तो जो बच्चे अभी सोए पड़े हैं, नींद में हैं, मैं उसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिकल लिखना चालू कर दें। प्रैक्टिकल कहाँ से लिखना है आप अपने एक बार टीचर से कंसल्ट कर ले, उससे उसके बाद आप लोग प्रैक्टिकल लिखना चालू कर दें। प्रैक्टिकल आपके 20 के आसपास कंडक्ट हो जाएंगे ऑफलाइन मोड में, ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान दो। सेकेंड है कि सर पेपर कब कंडक्ट होंगे। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने आपको कितनी बार बता दिया हूँ, आपके पेपर 7 या 8 जुलाई से कंडक्ट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग हो जाएंगे। टेंटेटिव समझो कि आपके पेपर 10 से पहले पहले कंडक्ट हो जाएंगे, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दो। अब दोस्तों, बात करते हैं कि पेपर डेट शीट कब तक आएगा। तो दोस्तों, आपके पेपर का जो डेट शीट है जो बहुत ही जल्द रिलीज हो जाएगा, 10 या 12 तक जो आपके डेट शीट है वह वेबसाइट पे आ जाएंगे, HSVD की वेबसाइट पे। जैसे मैं वेबसाइट पे अभी हूँ, तो 10 से 12 जून तक आपके जो डेट शीट है, किस दिन कौन से पेपर कंडक्ट होंगे, टाइमिंग क्या रहेगा, ठीक है, शेड्यूलिंग क्या है, तो सब कुछ आपको 10 जून के आसपास आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, इस बात को आप लोग ध्यान दो। और आप लोग ऐसा क्वेश्चन मत पूछे दोस्तों, अभी अपना पढ़ाई में एफर्ट लगाओ और आप जान झोंक दो अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, और आप लोग अच्छे से क्लियर करो। और जो लास्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उसके लिए मेरे तरफ से बेस्ट विशेज है कि आप लोग अच्छे से सेमेस्टर दो और लीड का प्रिपरेशन करते रहो, तब आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकेंगे BTech के थ्रू, BTech में, ठीक है, लीड के थ्रू। तो ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से सभी बच्चों को, और स्पेशली लास्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को।